जिले में इस समय कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति विस्फोटक व भयावह मोड पर जाती दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिनों से रोजाना लगातार 9 से अधिक संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं बीते एक वर्ष के दौरान पहली बार मंगलवार 4 मई को जिले में रिकॉर्ड 1123 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 61527 पर जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि गत रोज ही अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की वजह से अब तक हुई कुल मौतों के आंकड़ों ने 1000 के स्तर को पार किया था। वहीं मंगलवार को पहली बार 1000 से अधिक संक्रमित मरीज एक दिन में पाए गए हैं। बीते 4-5 दिनों से जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का कोविड टीकाकरण नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। वही अब पता चला है कि मंगलवार की देर रात या बुधवार की सुबह अमरावती जिले को 10,000 कोवैक्सीन और 15,000 कोविशील्ड वैक्सीन की खेप उपलब्ध हो जाएगी और कुल 25,000 वैक्सीन के इस नए स्टॉक के जरिए बुधवार की सुबह से जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाना शुरू किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी तथा कोरोना हेल्पलाइन कक्ष की समीक्षा बैठक कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत के नेतृत्व में ली गई है। बैठक में शहर की जनता को शहर कांग्रेस कमेटी तथा कोरोना हेल्पलाइन कक्ष द्वारा संपूर्ण सहयोग दिए जाने के निर्देश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बबलू शेखावत ने दिए। हेल्पलाइन द्वारा कोरोना संकट में आए नागरिकों को इंजेक्शन, अस्पताल में बेड उपलब्ध करवाने, प्लाज्मा उपलब्ध करवाने आदि जैसे कार्य किए जाने की रिपोर्ट कोरोना वॉलंटियर के माध्यम से ली गई तथा भविष्य में इसी प्रकार का सहयोग करते रहने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए गए। इस समय पूर्व महापौर तथा पार्षद विलास इंगोले, भैया साहेब निचड़, सलीम मीरावाले, डॉक्टर जुबेर, मनोज भेले, सागर कलानी, अब्दुल रफीक, सादिक शाह, सुरेश रतवा, निलेश गुहे, संकेत कुलट, राजा बागड़े, गुड्डू हमीद, प्रथमेश गवई, असलम सलात, संदेश सिंघही, अतुल काळवंडे, अब्दुल नईम आदि उपस्थित थे। लॉकडाउन में जीवनावश्यक वस्तु को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद कॉटन मार्केट रोड स्थित राकेश मार्केटिंग के अलावा खत्री कंपाउंड के गैलेक्सी दुकान शुरू रहने से मनपा की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानों को सील कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक राहुल आठवले की उपस्थिति में बाजार व परवाना अधीक्षक उदय जवान के मार्गदर्शक में निरीक्षक आनंद काशीकर, अभियंता संकेत वाघ, मनोज इटनकर, सागर राठौड़ यह टीम ने की।